Hello students, welcome to your own channel Good Education. Student, today we have to study the kinds of adverb. आज हम लोगों को पढ़ना है कि adverb कितने प्रकार के होते हैं. Students, there are 10 kinds of adverb. Adverb के 10 प्रकार हैं, but today we have to study only 5 kinds. And after that means in next video we will study the remaining 5 parts of adverb. Okay. देखते हैं ब्लैकबोर्ड पे एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब. देर आर 10 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, 10 प्रकार के होते हैं, बट आज हमको 5 ही पढ़ना है. 5 अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा. फर्स्ट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड 5 इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाई वन, एक एक करके समझते हैं कि ये एडवर्ब्स क्या होते हैं. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? दीज एडवर्ब्स शोस द टाइम ऑफ एन एक्शन. ऐसे एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी कार्य के होने का समय बताते हैं कि किस समय कौन सा कार्य हो रहा है. द मेन example of adverb of time is today, yesterday, soon, tomorrow. ये जितने भी adverb यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कार्य होने का समय बताते हैं. इसको sentence में use करके समझते हैं कैसे बताता है. First, my father will come today. My father will come today. मेरे पिताजी कल आएंगे. यहाँ पर आप देखिए टुडे ये एडवर्ब यूज़ किया गया है और यह मेरे पिताजी के आने का समय बता रहा है. मीन्स माई फादर विल कम टुडे, मेरे पिताजी आज आएंगे. तो यह मेरे पिताजी के आने का समय बता रहा है, इसलिए यह टुडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. कोई भी एडवर्ब जो कार्य होने का समय बताता हो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है. एक और एग्जांपल लिखिए, सी कैम यस्टरडे. सी कैम यस्टरडे, वह कल आई. इसमें वह कल आई मीन्स उसके द्वारा जो कार्य का संपादन किया गया, जो कार्य की है उसका यहाँ पर टाइम बता रहा है. तो टाइम बताने वाला जो वर्ड है वह यस्टरडे है. दैट्स व्हाई यस्टरडे इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. ऐसा कोई भी एडवर्ब जो कार्य होने का समय बताता हो, द वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब. ऐसा कोई भी एडवर्ब जो कार्य होने का समय बताता हो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है. तो इसी तरह की एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. सेकेंड एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द एडवर्ब विच शोज द मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज डन. ये एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार की गई है, कितनी बार की गई है. इसमें जो मेजर्स एग्जांपल हैं वो ट्वाइस, ऑलवेज, वंस एंड डेली. ये हमेशा फ्रीक्वेंसी बताते हैं, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द वर्क इज परफॉर्म्ड. एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. आई हैव सॉल्वड दिस क्वेश्चन I have solved this question twice.
आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्वाइस, मैंने इस प्रश्न को दो बार हल किया है। इसमें जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसका इसमें बताया जा रहा है कि कितनी बार हुआ है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं वो फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब मीन्स कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्क इज़ परफॉर्म्ड, कितनी बार कार्य हुआ है। तो ट्वाइस इसी तरह से है, ऑलवेज है, वंस है, डेली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑलवेज सी स्माइल्स, ऑलवेज ऑलवेज बता रहा है, सी स्माइल्स ऑलवेज, वो हमेशा मुस्कुराती है। ऑलवेज इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज इसमें, क्योंकि ये जो एडवर्ब है ये कार्य होने की गिनती को बता रहा है कि कितनी बार ये कार्य हुआ, दैट्स वाई ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। थर्ड इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर समझते हैं। एन एडवर्ब विच शोज द मूड ऑफ एन एक्शन, ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी कार्य के होने का ढंग बताते हैं, जो किसी कार्य के होने का जो मूड है वो क्या है, मैनर है वो कैसे, कि कोई काम बहुत तेज हो रहा है, कोई काम बहुत स्लो हो रहा है, कोई काम बहुत फास्ट हो रहा है, इस तरह से जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब जो शो करते हैं उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इसमें जो मेजर एडवर्ब्स हैं वो स्लोली, ब्यूटीफुली, लाउडली, केयरफुली एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि ये किस तरह से मैनर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, माई ब्रदर स्पीक्स स्लोली, माई ब्रदर स्पीक्स स्लोली, मेरा भाई स्लोली बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। तो स्लोली जो वर्ब है वो कार्य जो हो रहा है उसका मैनर बता रहा है। यह जो वर्ड है ये एडवर्ब है और यह कार्य होने की जो मैनर है, मोड है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि मेरा भाई बहुत धीरे धीरे बोलता है। तो यह एडवर्ब है स्लोली, यह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है। तो इसमें जो वर्क हो रहा है उसको यह बताया जा रहा है कि बहुत ही सुंदर हो रहा है। तो यह जो एडवर्ब है ब्यूटीफुली, यह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, क्योंकि इससे मैनर एक्सप्रेस हो रहा है, मैनर शो हो रहा है, मैनर डिनोट हो रहा है। द फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, फोर्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कार्य होने की गहराई को बताते हैं, कार्य होने की गहराई को बताते हैं कि कितनी गहराई तक ये कार्य हुआ है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में वेरी, हार्डली, इंटायरली और भी बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, जैसे दैट मैन That man do, नहीं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, they work very much, the works very much, वे बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें कार्य होने की जो गहराई है, जो उसका जो लेवल है, उसको बताया जा रहा है। तो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कार्य होने की का जो
गहराई ही कहना इसके लिए बहुत है, जो डेप्थ है उसको शो करते हैं। उसी तरह से हार्डली, इंटायरली, इंटायरली को एग्जांपल ले लेते हैं। ही सॉल्व्ड इट इंटायरली, ही सॉल्व्ड इट इंटायरली, उसने इसको पूरी तरह से हल कर लिया है। कार्य होने का जो डिग्री है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि पूरी तरह से, मतलब कि कार्य होने की जो गहराई है उसको एक्सप्रेस किया गया है। तो नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एंड एडवर्ब विच डिनोट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन, दिस डिनोट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन। ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कार्य होने के स्थान को बताते हैं। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, कार्य होने के स्थान को बताते हैं। इसमें हेयर, देयर, आउटसाइड, बिलो एंड सो ऑन, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताते हैं। इसमें एग्जांपल सेंटेंस में यूज करके इसको देख लिया जाए कि ये किस तरह से प्लेस को शो करते हैं। एक एग्जांपल है, ही केम हियर, वह यहाँ आया था। तो यह जो हियर है वह प्लेस को बता रहा है कि वह कहाँ आया था, यहाँ आया था। तो ऐसे एडवर्ब होते हैं दैट रिफर्स अ प्लेस, जो एक स्थान को रिफ़र करते हैं, जो एक स्थान को शो करते हैं। ऐसे एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर को भी एग्जांपल इसे और समझ लेते हैं, गो देयर, वहाँ जाओ। इस सेंटेंस में देयर एक एडवर्ब है और ये प्लेस बता रहा है कि वहाँ जाओ। तो प्लेस बताने वाले, जितने भी स्थान बताने वाले जो एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। उसी तरह से आउटसाइड है, बिलो है, आउटसाइड का अभी एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़े रहो। तो यहाँ पर खड़े रहने का प्लेस आउटसाइड बताया गया है, खड़ा होने का जो प्लेस है वो आउटसाइड बताया गया है। That's why this adverb is adverb of place. इस तरह से इसको adverb of place कहा जाता है। ये स्थान बताने वाले adverb होते हैं। इस तरह से अभी तक only we study 5 kinds and इसमें जो बच रहा है उसको अगले वीडियो में स्टडी किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज जिसको आप समझ नहीं पाए हों तो You can put it into comment box और इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।